ओके, आज हम डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील देखिए, फ्लाई व्हील हमने देखा है काफ़ी जगह जिसका यूज होता है। जनरली हम हमारा जो कंपोनेंट है, जो फ्लाई व्हील है, इसका यूज हम करते हैं इंजन के अंदर। इंजन के अंदर हमें पावर मिलती है, और उस पावर जो मिलती है हमें, वो क्या होती है कि रेगुलर कंटिन्यू नहीं मिलती, एक डायरेक्शनल फोर्स मिलता है, साइन थीटा। एक साइनोसोइडल कर्व के रूप में हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हमें फोर्स पावर भी हमारी कुछ इसी तरह से मिलती है। अब हमें क्या करना होता है, जो ये पावर है, ये साइनोसोडियल ना चाह करके हमें चाहिए होती कि हमें जो पावर मिले वो कंटिन्यूस मिले। कंटिन्यूस मिले मतलब हर पॉइंट के ऊपर हमें एक जैसा फोर्स मिले या एक जैसा टॉर्क मिले। इसलिए हमें क्या करते हैं, फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। फ्लाई व्हील क्या करता है, हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कब, जब हमारे पास एनर्जी एक्सेस में हो, और इसको रिलीज कर देता है जब हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट टॉपिक जब कवर किया था, तो हमने फाइंड किया था कि इसके ऊपर जो हमारा टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक इंजन है, अब इस ये इंजन का हमारा पिस्टन है जो कि मूव कर रहा है, ये अपनी कनेक्टिंग रोड है, ये अपनी क्रैंक है। ओके, और ये क्रैंक मूव कर रही है, तो यहाँ से जो फोर्स आ रहा था, हमने एफर्ट था जो कि हमारा एफ पी ये फाइंड किया था, फिर एफ क्यू फाइंड किया था। अब एफ क्यू जो कि इस तरफ जा रहा था, और इसके दो कंपोनेंट थे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक था रेडियल कंपोनेंट। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये क्या है अपना एफ टी, और एफ टी क्या कर रहा है, ये इस क्रैंक को रोटेट करवा रहा है इस तरह से। तो रोटेट करवा रहा है मतलब एफ टी इंटू ये जो डिस्टेंस है क्रैंक का, अगर ये डिस्टेंस आर है, तो एफ टी इंटू आर हमारा हो गया एक तरह से क्या, अपना टॉर्क हो गया, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस हमारा क्या बन गया, टॉर्क बन गया। तो यहाँ पे हमें जो टॉर्क मिल रहा है इंजन से, जो रेसिप्रेटिंग इंजन है हम, उससे हमें जो टॉर्क मिल रहा है, वो टॉर्क क्या है, एफ टी इंटू आर। ओके, और एफ टी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड कर ही लिया था एफ टी। यहाँ से एफ पी फाइंड फाइंड किया था, फिर एफ पी से एफ क्यू फाइंड कर लिया था। जो एफ क्यू मिल गया था, उसका ये कंपोनेंट एफ टी था। तो एफ टी क्या था, एफ टी था कुछ ये था, एफ पी इंटू ये वाली टर्म। ओके, जो फाइनल सोल्व करके आई थी वो हमारी ये वाली टर्म थी। अब इसको हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया टॉर्क। अभी देखिए, हमें जो टॉर्क मिला है वो क्या है, साइन की टर्म में, साइन। तो साइन की टर्म में मतलब टॉर्क हमारा वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा, टॉर्क वेरी करेगा। तो हमें टॉर्क है वो एक तरह से कंटिन्यू एक जैसा ना मिल करके, हमें टॉर्क क्या मिल रहा है, साइनोसोडियल कर्व के रूप में मिल रहा है। तो जैसे कि ये हमारा टॉर्क है, देखिए ये मान लीजिए, अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कोई 0, है ना। तो ये 0 हो गई, फिर ये इंक्रीज हो रही है, फिर ये किसी मैक्सिमम पोजीशन पे जा रही है, फिर डिक्रीज हो रही है 180 तक। फिर 180 के बाद थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हमें ये आगे की वैल्यू मिल जाएगी। तो टॉर्क कुछ इस तरह से हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, एक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग का। डबल एक्टिंग मतलब एक बार इधर से फोर्स लगा पिस्टन से, और एक बार इधर से लगा, है ना। तो 0 to 180 एक सिलेंडर ने रोटेट करवाया, और नेक्स्ट 180 to 360 दूसरे सिलेंडर ने अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया। मीन इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये हमारी क्रैंक कुछ इस तरह से है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड है, और ये हमारा पिस्टन है। तो मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है, तो एक पिस्टन इधर भी है ना,
ये हमारा क्रैंक सेम ही है और यहाँ भी एक कनेक्टिंग रोड है। तो क्या कर रहा है, जब ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, जब ये इधर जा रहा है पिस्टन तो ये इधर जा रहा है, तो ये डबल एक्टिंग है। मतलब दोनों तरफ हमारा पिस्टन लग रहे हैं, एक बार ये पिस्टन रोड मूव करवा रहा है क्रैंक को, एक बार ये वाला पिस्टन मूव करवा रहा है क्रैंक को। ओके, तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि जो टॉर्क है वो मिल रहा है कुछ इस तरह से मिल रहा है, ये फॉर्मूला है जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो कि थीटा है वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा मीन हमें एक साइनोसोडियल कर्व जनरेट हो रहा है टॉर्क के लिए। तो हमारा टॉर्क क्या है, टॉर्क का अगर हमें टॉर्क का ग्राफ मेंशन करना पड़े कि विथ रेस्पेक्ट टू थीटा टॉर्क किस तरह से वेरी कर रहा है, तो ये एक साइनोसोडियल कर्व होगा। ओके, तो ये हमें अगर कोई पूछ ले कि ये कर्व ही क्यों बनाया है, तो कर्व इसलिए बना क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो उसका फॉर्मूला साइनोसोडियल है, यहाँ पे साइन थीटा, इसलिए हमारा ये साइन करवा गया। ओके, तो हमें क्यों जरूरत होती है फ्लाई व्हील की, देखिए अब जो यहाँ पे हमें 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे जो थीटा 0 डिग्री है, वहाँ पे हमें जो टॉर्क मिल रहा है वो क्या है, 0। लेकिन जब 90 डिग्री है तो टॉर्क है मैक्सिमम, फिर 180 डिग्री है तो फिर अगेन टॉर्क 0 है। तो हमारा टॉर्क क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी क्रैंक है, ये क्रैंक है और यहाँ पे कोई मान लीजिए क्रैंक रोटेट हो कर रही है किसी शाफ्ट को, तो ये शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो ये हमें क्या चाहिए कि ये शाफ्ट है ना कि कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट हो, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट हो। तो उसके लिए क्या करें हम, तो उसके लिए हमने क्या डिजाइन किया, फ्लाई व्हील डिजाइन किया। फ्लाई व्हील क्या करता है, जब हमें एनर्जी मिलेगी, जब हमें एक्सेस एनर्जी मिलेगी, तो ये इसको स्टोर कर लेगा। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, अब यहाँ से पावर स्ट्रोक आया, मतलब कंबशन हुआ, जैसे ही फ्यूल आया, फ्यूल बर्न हुआ, कंबशन हुआ, तो ये पिस्टन के ऊपर एक फोर्स जनरेट हुआ, तो ये पिस्टन के ऊपर फोर्स जनरेट हुआ तो ये क्रैंक है रोटेट होकर के आगे की तरफ गई। लेकिन अब क्रैंक कुछ आगे तो चली गई, लेकिन जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ गया तो क्रैंक मान लो इधर पहुँच गई, लेकिन अब इसको वापस आना है, तो वापस आते हुए कौन सा फोर्स लगेगा, हमारे पास तो कोई फोर्स है नहीं, वापस कैसे आएगा ये सिलेंडर। तो वापस लाने के लिए इस सिलेंडर को, इस पिस्टन को, इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर फ्यूल जनरेट होगा, जहाँ बर्न होगा और फिर कंबशन होगा, तो वापस लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा जब कंबशन हुआ तो हमारा जो फोर्स जनरेट हुआ, जो टॉर्क जनरेट हुआ, उसको क्या करते हैं हम, एक्सेस टॉर्क को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करके क्या करते हैं उसको फ्लाई व्हील में स्टोर कर लेते हैं। और जब हमें रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट कब होगी, जब हमें क्रैंक को यहाँ से इधर लेके जाना होगा तो रिक्वायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा फ्लाई व्हील है वो एक्सेस एनर्जी को इसको प्रोवाइड करवा देगा। ओके, तो देखिए अब हमें जो पावर मिल रही है यहाँ पे इंजन से, जो पावर मिलेगी इससे वो क्या है, ये कुछ ये टी मीन मिलेगी, मीन मतलब एवरेज। अब ये एवरेज जो पावर मिलेगी, एवरेज पावर कितनी है, ये क्या है एक तरह से, ये 0 से 180 गए जैसे कि, तो ये कुछ इसका एरिया होगा। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं क्या होता है भाई, पावर, पावर इज इक्वल टू होता है टी ओमेगा। ओके, या फिर हम इसका कहते हैं कि वर्क डन हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, टी इंटू थीटा। तो हम अगर वर्क डन की बात कर ले तो एक तरह से पर यूनिट टाइम हमारी पावर आ जाएगी। तो हमारा अगर यहाँ बात करें हम, ये कितना वर्क हमें मिला, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो ये जो एरिया है ये हो गया एक तरह से इसका वर्क, है ना। अब हमें हमें तो ऐसा तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे 0 मिल जाए फिर बढ़ जाए फिर कम मिले, तो
हमारे हमें चाहिए कि कंटिन्यूस ये शाफ्ट है ये रोटेट होती रहे, तो रोटेट होती रहे मतलब एक मीन टॉर्क चाहिए हमें, तो ये हमारा क्या है एक तरह से मीन टॉर्क है जो हमें फ्लाईव्हील लगाने के बाद मिलेगा। तो मीन टॉर्क कितना होगा, ये हमारा यहाँ से 180 डिग्री तक का मीन टॉर्क हो गया, इसके नीचे का ये वाला एरिया। तो ये जो ये वाला एरिया है मीन टॉर्क के नीचे का 180 डिग्री के, 0 to 180 डिग्री में मीन टॉर्क के नीचे का जो ये वाला एरिया होगा, वो जो ये वाला एरिया होगा, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मीन टॉर्क है। ओके, तो हमें इसकी फ्लाईव्हील की जरूरत क्यों पड़ी, हमें जरूरत पड़ी इसलिए कि जो हमारे जो पिस्टन मूव कर रहा है, तो हमें जो टॉर्क मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइनोसोडियल मिल रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है। तो साइनोसोडियल तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंटिन्यूस टॉर्क चाहिए जो कि क्या हो, एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहे। इसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, इस पूरे सर्कल के अंदर, ये पूरी फेरी फेरी के अंदर जहाँ जहाँ पे अपनी ये मूव करेगी क्रैंक, वहाँ वहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो, हमारे हमारे पास सेम स्पीड हो। तो सेम स्पीड के लिए क्या करेंगे, हम फ्लाईव्हील का यूज कर लेंगे। तो फ्लाईव्हील का हम यूज करेंगे, तो फ्लाईव्हील क्या कर देगा, इसको एक जब हमारे पास यहाँ पे जैसे ये एक्सेस एनर्जी आ गई, तो इस एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जब हमारे पास या कोई एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे सप्लाई कर देगा किसको, क्रैंक को, जिससे कि ये पिस्टन है ये कंबशन के बाद जब टॉप डेड सेंटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, कंबशन हुआ तब, तो जब वापस जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए कि वापस जाने के लिए, तो अब जो स्टोर हुई एनर्जी थी वो इसको दे देगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर वापस कंबशन हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसके लिए हमें फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ी। ओके, तो यहाँ पे फ्लाईव्हील का यूज हम आसानी से समझ गए। अब मीन टॉर्क की बात करते हैं, जैसे ये हमें मिला पहले तो टॉर्क टी, मीन टॉर्क क्या है, मीन टॉर्क मतलब यही है कि जो मेन हमारा टोटल टॉर्क आ रहा है उसका एरिया, और मीन टॉर्क का एरिया जो उस मीन टॉर्क का जो एरिया आ रहा है वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे जब पिस्टन बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रैंक है वो कुछ ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो टॉर्क ज़्यादा मिला। तो ज़्यादा कितना ज़्यादा मिला, अगर हमें पूछे कि कितना एक्सेलरेशन टॉर्क मिला, तो हमारा मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा हुआ वो मिला, तो कितना ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा है, तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, जो ये मैक्सिमम कितना है, ये टी क्या है, जो एक्चुअल है किस पोजीशन पे, 90 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ 90 डिग्री रख देंगे तो हमारा ये T90 का आ जाएगा, है ना, और इसमें से मीन माइनस कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे कितना ये एक्सेलरेशन हुआ है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा टॉर्क मिला है, किसी भी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ का फाइंड करना है जी, यहाँ किसी एंगल पे फाइंड करना है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में 60 डिग्री पुट कर देंगे थीटा की जगह, तो थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करें तो 60 डिग्री पे हमें क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया। अब इसमें से मीन टॉर्क माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितना एक्सेलरेशन टॉर्क है। तो यहाँ पे फ्लाईव्हील का मेन यूज क्या है कि हमें कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करवाए, कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करवाए, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करवाए, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक साइनोसोडियल आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, ये साइनोसोडियल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये कंटिन्यूस चाहिए। तो इसके लिए इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ती है। फ्लाईव्हील क्या होता है, फ्लाईव्हील एक ये मान लीजिए इसकी शाफ्ट है जहाँ पे क्रैंक लगी हुई है, क्रैंक के जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है वहाँ पे एक शाफ्ट है, तो उस शाफ्ट को एक एक व्हील से
एक व्हील होता है, जनरली हम सॉलिड या रिंग टाइप एक व्हील होता है, मेटेलिक व्हील, जिसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो उसको ऐड कर देते हैं। तो उसको ऐड करने से क्या होता है, वो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब वो कितना मास होगा, कितना फ्लाई व्हील क्या साइज होगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। ओके, तो हमें मेन क्या है कि फ्लाई व्हील का ये काम है। इसके अलावा कुछ जगह पे हमारे पास ऐसा भी रहता है कि हमारे पास एक इस तरह की कंटिन्यूअस रोटेटिंग पावर होती है। जैसे मान लीजिए मोटर, हमारे पास मोटर है, मोटर एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है, लेकिन हमें क्या करना, पंचिंग करनी है। पंचिंग करनी है मतलब अब हमें पंच करना है किसी शीट के अंदर। मान लीजिए ये कोई शीट है, इस शीट के अंदर पंच करना है, मतलब बीच में कोई होल करना है जिसकी कोई थिकनेस है। तो हम क्या करते हैं, पंचिंग मशीन का यूज करते हैं। पंचिंग मशीन क्या करती है, यहाँ पे एकदम से जोर से फोर्स लगाएगी और ये पंच कर देगी। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, जब वो मशीन फोर्स लगाएगी तो क्या होता है कि मशीन क्या एक तरह से इस तरह से कुछ कनेक्टेड होगी कहीं, और वो इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, तो इसको रोटेट कर रहा होगा और हमें कोई पावर मिल रही होगी। ये पावर कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर से मिलेगी। अब हमें क्या है कि कंटिन्यूस सेम पावर नहीं चाहिए, हमें तो कब चाहिए, जब होल हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम पावर मिले हमें, तो उस टाइम पे भी हम फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो भी हमारा एक तरह से फ्लाई व्हील का यूज होता है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे पहले कि हम फ्लाई व्हील को का यूज कैसे टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे पहले हम। तो पहले देखिए, ये जैसे हमारा है, मान लीजिए ये फोर स्ट्रोक इंजन है। फोर स्ट्रोक इंजन में हमारे पास क्या होता है कि एक ही पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक मतलब जब हमें पावर मिले, पावर मिलेगी कब मिलेगी, पावर जब फ्यूल बर्न होगा। मान लीजिए ये हमारे पास है हमारा सिलेंडर, और ये हमारा है पिस्टन, और ये इधर आगे क्रैंक और सॉरी कनेक्टिंग रोड और क्रैंक सी कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे फ्यूल बर्न हुआ, तो फ्यूल बर्न होगा तो ये एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो ये ऊपर की तरफ गया तो हमें पॉजिटिव पावर मिली, तो जो ये वाली पावर मिली ये हमें एक बार ही मिली। अब बाकी इसके अलावा तो हमें कोई पावर मिली नहीं, तो हमारा किस तरह से ये मूव करेगा। तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पे एक फ्लाई व्हील कनेक्ट कर दिया। तो फ्लाई व्हील क्या करेगा, जब हमारे पास ये एक्सेस पावर मिली इसको स्टोर कर लेगा, जब रिक्वायरमेंट है इस सिलेंडर को, जब इन ऊपर नीचे से ऊपर गया तो इसने स्टोर कर ली, और जब जब इसको ऊपर से वापस नीचे आना है तो फ्लाई व्हील ने क्या कर दिया, इस पावर को वापस सिलेंडर को दे दिया, पिस्टन को दे दिया सर, तो पिस्टन वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होती है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट होता है। ओके, तो जो सक्शन स्ट्रोक है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण फ्लाई व्हील घूमता है, तो एक टाइम पे वो उस पावर ले रहा होता है और एक टाइम पे वो दे रहा होता है। मतलब यहाँ पे तो उसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, अपने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पावर जनरेट कर लिया और एक बार उसको वापस पिस्टन को दे दिया। ओके, तो ये मतलब कुछ पिस्टन के मास के कारण ऊपर आ गया, कुछ इसने स्टोर कर लिया और वापस इसने इसको दे दिया। तो ये 0 से पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब हमारा फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक है, मान लीजिए ये हमारा पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, तो पिस्टन क्या हुआ, सक्शन किया, तो सक्शन मतलब ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया तो हमारा सक्शन हुआ 180 डिग्री तक। तो ये क्या है, ये क्रैंक हमारी है, वो 180 डिग्री घूम गई। 180 डिग्री मतलब क्रैंक पहले इस तरह से थी सीधी, अभी ये घूम के क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से आ गई। ओके, तो ये क्रैंक इस तरह 180 तक आ गई घूम करके, यहाँ से यहाँ तक कि हमारी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है। तो फिर जैसे ये यहाँ पे आई, फिर ये यहाँ पे आई, तो इस तरह से घूम के फिर इधर तक आ गई। अभी देखिए,
अब जो यहाँ से यहाँ तक आई तो ये हो गया इसका टोर्क। तो इसमें हमें कितना मिला, कुछ नेगेटिव था इसका, कुछ पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब जो हमें इसके मास ऑफ इनर्शिया के कारण मिला। या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस चीज़ पे मेनली फोकस कीजिए इतने पोर्शन के ऊपर। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है तो एकदम से पावर आई तो क्या हुआ, एक्सेसिव पावर आएगी, उसको क्या कर दिया, यहाँ तक स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे मीन टॉर्क कितना है, ये मीन टॉर्क मतलब इतना तो इसको रोटेट करने के लिए चाहिए, वो तो मीन हो गया। और ये एक्सेस मिला, एक्सेस को क्या कर लिया इसने, यहाँ पे जो फ्लाई व्हील कनेक्ट कर दिया है, एक फ्लाई व्हील ने क्या कर दिया, एक्सेस को स्टोर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आ गया, पिस्टन घूम के नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अब इसको वापस ऊपर जाना है, तो ऊपर एक तरह से कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, जो ये एक्सेस पावर थी ये हमारी क्या करेगी, इसको वापस ऊपर ले जाने का काम करेगी। ओके, तो ये हमें क्या करना होता है, मीन टॉर्क फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे मीन टॉर्क के लिए, देखिए अगर मान लीजिए हमें ये मीन टॉर्क फाइंड करना है अभी इस केस में, तो मीन टॉर्क क्या होगा हमारा, कि पहले तो हमें टोटल पॉजिटिव टॉर्क कितना मिला है, पॉजिटिव टॉर्क या पॉजिटिव एनर्जी कितनी मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टी टॉर्क है और यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, क्रैंक एंगल है। तो टी इंटू थीटा एक तरह से हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल एनर्जी के। ओके, तो हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, एक तरह से हमें मिल रही है ये पॉजिटिव एनर्जी मिली यहाँ से कुछ, ये वाला एरिया। ओके, और ये वाला एरिया में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मतलब इस टाइम पे हमें कंप्रेशन करना है। तो हमने यहाँ से तो क्या हुआ, हमें मिला कोई वर्क मिला जब यहाँ पे कंबशन हुआ, लेकिन जब हमने इसको कंप्रेस किया तो हमने कुछ वर्क किया, तो ये नेगेटिव वर्क आ गया या नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो ये पॉजिटिव एनर्जी माइनस नेगेटिव एनर्जी, तो ये हमारे पास एक तरह से दोनों, ये पॉजिटिव एनर्जी और ये नेगेटिव एनर्जी, प्लस माइनस करके जो ये बचा वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे टोटल कितना मिल रहा है वो हमें, टोटल एनर्जी मिल गई हमें, नेट एनर्जी जो क्या है, जो हमारा एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी माइनस नेगेटिव एनर्जी, इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी माइनस नेगेटिव एनर्जी। अब दोनों का जो चेंज है वो हमें मिल गया, ये हमारी नेट एनर्जी है, ये हमारी नेट एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये, तो इसका जो बच गया मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, ये पूरा एरिया माइनस ये एरिया जो बच गया, वो एरिया एक, वो एरिया कितना होगा, इस एरिया में से इसका एरिया माइनस कर लेंगे तो हमें, हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब टोटल एनर्जी एक तरह से, या टोटल टी थीटा। ओके, अभी देखिए हमारे पास ये टोटल एनर्जी बची। अब इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी है इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, मीन टोर्क इनटू हमारा ये कितना हमें यहाँ, जैसे मान लीजिए ये हमें मिल रहा है 0 to 4 पाई, तो 0 to 4 पाई तो टोटल कितना होगा, 4 पाई माइनस 0 मतलब 4 पाई। तो जो ये वाला इन दोनों का डिफरेंस एरिया होगा उसको इक्वल कर देंगे टी इंटू 4 पाई के, तो ये इस एरिया के इक्वल होगा। ओके, तो ये नीचे चला गया, ये हमें पता है 4 पाई की वैल्यू भी पता है, हमें टी मिल गया। टी क्या है, एक तरह से टी मीन मिल गया। तो ये हमारा मीन टॉर्क फाइंड कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये एग्जाम में रहता है कि पूछ लेते हैं कि बताइए डायग्राम बनाइए आप, कि 4 स्ट्रोक साइकिल है उसका, इंटरनल कंबशन इंजन का कोई डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, ये हमें मैक्सिमम टॉर्क मिला हुआ है, ये मीन टॉर्क है। ओके, ये चार प्रोसेस है, सक्शन कंप्रेशन वर्किंग और पावर स्ट्रोक, इसको बोल देते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, अब देखिए
इसी तरह से हमारा मान लीजिए, ये देखिए, ये डायग्राम देखते हैं हम। इसमें क्या है कि हमें ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव मिला, फिर कुछ नेगेटिव गया, फिर कुछ पॉजिटिव मिला, फिर कुछ नेगेटिव हुआ। मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी, एक्सेस एनर्जी आई, यहाँ पे हमने दी, यहाँ पे हमें मिली, यहाँ पे हमने दी, तो मीन क्या हो जाएगा इसका? ये मीन इसका ये हो जाएगा, एक तरह से क्या है, मीन टॉर्क हो गया। ओके, तो इस तरह से जैसे इस ट्राइंग, अब ये देखिए ये क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर का मतलब हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा सिलेंडर हो, जैसे यहाँ पे एक तरह से ये डायग्राम से शो हो रहा है हमारे पास लग 3 सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर मतलब हो सकता है एक सिलेंडर तो हमने लगा दिया इधर, एक सिलेंडर लगा दिया इधर, एक सिलेंडर लगा दिया इधर। ओके, 120 डिग्री के ऊपर। अब ये कोई क्रैंक है, ये क्रैंक है, अब इस क्रैंक से ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। अब ये क्रैंक रोटेट करेगी और ये तीनों जो इंजन है, तीनों सिलेंडर है, ये इस क्रैंक को रोटेट करवा रहे, तो किसी टाइम पे ये वाल मतलब किसी भी टाइम पे ये तीनों फोर्सेस दे रही हैं या ले रही हैं, ये कॉन्टेक्ट में है। ओके, तो जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर की बात करें, है ना, अब इन तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो जैसे फर्स्ट सिलेंडर की बात करें, ये मान लीजिए फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला क्या है, 0 से लेकर के ये हमारा 180 डिग्री तक इसको क्या करेगा, पावर देगा। तो मैक्सिमम पावर देता है वो मान लीजिए 60 डिग्री पे देता है ना। तो ये अलग अलग है, देखिए इसमें हमें सोचना नहीं कि कितने, ये एग्जाम्पल उठाया हुआ है मैंने कि उसमें गिवन होगा कि ये यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, ये डायग्राम गिवन है ना, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम दे रहा है, तो ये इसका और ट्राइंगुलर इसका टॉर्क डायग्राम, ये भी हमें गिवन रहेगा। तो उस डायग्राम मैंने एग्जाम्पल से उठाया है, तो उसी को मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये क्या शो कर रहा है, 0 to 180 फर्स्ट इंजन शो कर रहा है। अब देखिए, अब 180 यहाँ पे 180 से पहले ही क्या कर रहा है, मतलब इन दोनों में 120 का ही गैप है, तो जैसे ही यहाँ पे 120 हो गया तो सेकेंड इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करेगा, सेकेंड इंजन यहाँ पे इसके अंदर टॉर्क जनरेट हुआ, एनर्जी मिली हमें, फिर इसका ये डायग्राम हो गया, ठीक है। फिर इससे थर्ड का कितनी डिग्री पे हो जाएगा स्टार्ट, पहला 0 to 120, सेकेंड 120 to 240, 240 से थर्ड स्टार्ट हो गया, इसने ये पावर दी, है ना। तो ये अब ये देखिए, ये 360 तक ही है, तो इसको 360 से बाद में क्या है, वापस 60 आ जाएगा, 0 0 हो गया एक तरह से, तो 0 हो गया तो 60 हो गया, तो 60 हो गया तो 60 को हमने इधर शो कर रखा है। तो अगर पूछे कि मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए ये डायग्राम कैसे बना है, तो कुछ इस तरह का एग्जांपल देके हम बता सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका मीन टॉर्क फाइंड करना हो, तो इसका मीन टॉर्क क्या होगा, मीन टॉर्क क्या है कि इन ये सारा एरिया का समेशन, ये जो एरिया है, ये वाला जो भी एरिया आएगा, ये पूरा एरिया ये फाइंड कर लेंगे हम पहले। इस एरिया को, ये टोटल एरिया को मान लीजिए, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो ये टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन टॉर्क इनटू 0 to 360 है, तो मतलब 2 पाई, 2 पाई, तो मतलब इस टोटल एरिया को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन टॉर्क मिल जाएगा, जो कहीं यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। जैसे अगर मान ली इसकी बात करें, तो देखिए ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है ना, ये एक तरह से कितना है, जितना प्लस है, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो कहीं बीच में आ जाएगा। तो ये बीच में एक लाइन आ रही है मीन टोर की, जितना ऊपर आ रहा उतना नीचे आ रहा है, तो ये मीन टोर कितना हो गया, इतना हो गया। मीन मतलब एक तरह से उसको एवरेज कर दें, तो ये एवरेज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मीन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम आराम से मीन टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा, जैसे कि ये वाला डायग्राम है, इसमें फाइंड करना है, तो इसमें भी वही वाली चीज़ है, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, ये प्लस पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, जो नेट एरिया आया वो मान लो ए आया, ए इक्वल टू टी मीन इंटू 0 to 4 पाई है, तो ये
कितना हो गया, 4π - 0 या 4π, तो इसको डिवाइड कर देंगे ए से 4π को, तो हमें टी एम मिल जाएगा, तो हमें मीन टॉर्क मिल गया, तो ये मीन टॉर्क रहेगा। ओके, तो आसानी से मीन टॉर्क फाइंड किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं मीन टॉर्क फाइंड करना। सिमिलरली ये डायग्राम, इसमें भी इसी तरह से नेट एरिया में से ये एरिया माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, तो बचा जो एरिया, उस एरिया को, वो एरिया ए इक्वल टू टी मीन इंटू, यहाँ कहाँ तक है, 4π तक है, तो 4π तक, तो 4π का इधर डिवाइड होगा, तो ये क्या है हमारा टी मीन मिल जाएगा। ओके, तो आसान है ही। अब देखिए, जैसे ये कोई हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि ये जैसे इक्वेशन होती है हमारी, टॉर्क की इक्वेशन थी जो हमारी रियल इक्वेशन है, वो इस तरह की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन में चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसी ही हो, पर एक्चुअल में ऐसी होती है हमारी, है ना। अब कुछ अलग अलग अप्लीकेशन पे अलग अलग न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो उसमें इस इक्वेशन को घुमा देते हैं, पर एक्चुअल हमारी जो 2-स्ट्रोक 4-स्ट्रोक रेसिप्रोकेटिंग इंजन होती है, उनकी जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये वाली इक्वेशन होती है। अब देखो, ये वाली इक्वेशन हमें दे दी कोई न्यूमेरिकल में, कुछ कई बार ऐसे क्या करते हैं, ये इक्वेशन दे देते हैं, ये वाली इक्वेशन हो गई, तो इस इक्वेशन में देखो हमारा साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, मतलब जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा तो टॉर्क वेरी करेगा, ठीक है, और थीटा है तो मतलब कुछ कर्व बनेगा। अब देखो, केवल साइन थीटा होता तो साइनोसोडियल कर्व होता, कोस थीटा होता तो कुछ अलग कर्व होता, मतलब साइनोसोडियल जैसा ही। अब इन दोनों ही टर्म आ रही तो कुछ इस तरह का कर्व है। अब ये कर्व कैसे है, ये देखिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 0 डिग्री, 45 डिग्री, ये 0 डिग्री पुट किया, 45 डिग्री पुट किया, 90 डिग्री पुट किया, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बना, ये हमें गिवन होगा, जैसे ये हमारा एक तरह से ग्राफ जनरेट हुआ, है ना। ये हमें पता चल जाएगा कि भाई कोस थीटा साइन थीटा है, तो कुछ ग्राफ आएगा। अब ये ग्राफ है, अब हमें क्या करना है, अभी मीन टॉर्क फाइंड करने के लिए हमारी क्या कंडीशन है, मीन टॉर्क तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसके नीचे का एरिया पता हो, क्योंकि अगर ये एरिया पता होगा तो इस पूरे एरिया को हम क्या कर देंगे, इस ये मान लीजिए पूरा एरिया ए है, इस ए को इक्वल कर देंगे हम हमारा टी एम, मतलब मीन टॉर्क इंटू टोटल एंगल 0 to 180 डिग्री, मतलब पाई, ये 180 हो गया पाई, तो मतलब ये हो गया हमारा ए ए इक्वल टू टी एम इंटू पाई, पाई डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन टॉर्क मिल जाएगा। अब हमें क्या पता करना है, मीन टॉर्क फाइंड करने के लिए पाई तो पता ही है, ए फाइंड करना है, अगर ए फाइंड हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टी एम मिल जाएगा। अब ए फाइंड करना है, तो ए कैसे फाइंड करेंगे, ए फाइंड करते हैं। ओके, अब ए फाइंड करना है हमें, जो कि हमारा एरिया है, तो ए फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमारा जो ये कर्व है इसकी इक्वेशन गिवन है हमें ये, है ना, तो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है, अगर एक स्मॉल एंड एलिमेंट ले लिया यहाँ यहाँ पे ये, है ना, ओके, और ये कितना है, डी थीटा है, कोई डी थीटा है, और इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से, 0 to 2π 180 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो वही चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे भी। ये टॉर्क की इक्वेशन गिवन है, डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया, टी डी थीटा 0 to 2π, तो हमने जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तरह से ये एरिया मिल जाएगा, ये क्या है, ये वाला है। ओके, अब इसको इक्वल कर देंगे हम हमारा टी एम इंटू पाई के, तो हमें टी एम मिल जाएगा। ओके, तो हम आसानी से टी एम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमें देखिए टी एम क्या होगा, देखिए ये कर्व है, ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो इसका एवरेज ही तो है टी एम, तो एवरेज ही टी एम है, तो हम ये कह सकते हैं टी एम कहीं इसके बीच में आएगा,
ये तो 100% श्योर है क्योंकि इसका एवरेज ही तो इसके बीच में आएगा। अब बीच में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को कट करें, मतलब ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं थीटा की वैल्यू कितने पे कट किया, ये थीटा की वैल्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कब कहाँ कट किया, और ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे कुछ, ये हमने टी फाइंड कर लिया, इसको टी एम के टी मीन के इक्वल कर दिया। अगर टी मीन हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे टी मीन तो फाइंड हो चुका हमारे पास, जब इस इक्वेशन को टी एम की टी मीन की इक्वल कर देंगे तो कोई थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो थीटा की वैल्यू आई है, ये देखिए ये फर्स्ट वैल्यू आई है, ये कोई सेकंड वैल्यू आई है, तो ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। ये दो वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पे हमारा ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये थर्ड वैल्यू भी आ जाएगी आराम से सोल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये वो वाले पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा ये दोनों कर्व कट कर रहे हैं, ये लाइन और ये कर्व कट कर रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इस लाइन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, और इसके नीचे वाली क्या होगी, एक तरह से हमारे यहाँ पे बात करें तो ये एक तरह से नेगेटिव हो गई। नेगेटिव क्या मतलब, इस एनर्जी को ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यहाँ पे यूज करेगा, तो दोनों जगह क्या होगा, यूज होगा, और ये हमें एक्सेस एनर्जी मिली है। तो देखिए एक चीज़ और होती है कि जब ये हमें एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी मिल रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब स्पीड एकदम से बढ़ रही है, और जब हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, डीएस्केलेट हो रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये बड़ी आसान सी चीज़ थी, हमने आसानी से समझ ली। ओके ओके, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।